वेलकम टू एस एन चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बेडी गुरुकुल। आप सभी बच्चों का बेडी गुरुकुल में स्वागत है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट किए थे, उसी का ये तीसरा लेक्चर है और इस बार हम सारे टॉपिक्स को छोटे छोटे टुकड़े में दे रहे हैं, जिससे कि बच्चे आराम से देखें और लर्न कर ले। बड़े टुकड़े कई बार बच्चे नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, CBSE में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, या BSE बोर्ड है, या ICSE बोर्ड है, या ऑल इंडिया बोर्ड, कोई भी बोर्ड है। अब आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी या व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, बच्चे क्या करते हैं, एक डिफिनेशन डाल दिए, नंबर क्या मिलते हैं, 2 में से 1/2। कोई टीचर दयालु हैं तो 1 डाल देते हैं। आपको ये देखना है कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और जितने मार्क्स के क्वेश्चन है उसका डबल पॉइंट बना के देना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने पूरे फिजिक्स को टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। इस चीज को आप लोग ध्यान दो, और इसी आधार पर अब हम इलेक्ट्रिक करंट आया कहां से। मान लो बेटा, देख लो, ये एक चार्ज बॉडी है, प्लस है। अभी पिछले क्लास में हमने चार्ज बताए थे, और ये हमारे पास माइनस है। दो चार्ज बॉडी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद द कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर। बताओ इससे क्या होगा, ऐसा करने से, जोड़ने से क्या होगा, यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो सिंपली ऐसे समझो, जैसे घर के छत पर पानी के टंकी रहते हैं, एक में पानी भरा हुआ है, एक में खाली है। एक पाइप से जोड़ते ही क्या होगा, जिसमें पानी भरा है वो पाइप के द्वारा फ्लो होकर उसमें जाएगा। कब तक, जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। इसी तरह से यहाँ पर एक पॉजिटिव बॉडी को, एक नेगेटिव को हमने जोड़ दिया, यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज बॉडी टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी से पॉजिटिव तरफ फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन है चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, इसलिए जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, इसका मतलब हो गया चार्ज फ्लो किया, और चार्ज जैसे ही फ्लो करेगा हमने उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर जैसे ये करते हो, निगेटिव है, अब हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन हम बढ़ाते गए, ये फ्लो होता रहेगा और जिसमें शॉर्टेज है उसके तरफ जाता रहेगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इसका पहला पॉइंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रो अ कंडक्टर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रो ए कंडक्टर इज, थ्रो ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये सबसे सिंपल डिफिनेशन है, इतना सभी बच्चे लिख देते हैं, समझो हाफ हो गया। अब इसका मेजर कैसे करें, मेजरमेंट के लिए तो देख लो, द मोस्टली बुकों में ये डेफिनेशन में लिखा रहता है, जबकि ये मेजरमेंट है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रो ए कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट, इज इलेक्ट्रिक करंट। यदि किसी कंडक्टर से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी थ्रो ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये कुछ बुकों में इसी को लिख देते हैं इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन बेटा रेट ये मेजरमेंट बताता है। तो आपको 12th क्लास में हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो चार्ज जो फ्लो करता है उसका डेफिनेशन दे दिए, और मेजरमेंट में देख लो, लेट एन टी सेकेंड क्यू चार्ज फ्लोज, देयरफॉर एन 1 सेकेंड एन
1 second QYT चार्ज फ्लो। अब 1 second में जो फ्लो करता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। therefore by definition electric current equal to QYT that is charge upon time taken to flow current। कितना देर चार्ज फ्लो किया या करंट फ्लो किया। अब यहाँ पर देख लो सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गए, एक सिंपल डिफरेंस तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, करंट इक्वल टू क्यू आई टी दैट इज चार्ज अपॉन टाइम। अब थर्ड में देख लो, इस पॉइंट को भी आप बना सकते हो, वैसे कहोगे इट इज डिनोटेड बाय, कुछ बुक वाले स्मॉल आई लिखते हैं, कुछ कैपिटल आई लिखते हैं, कुछ सी लिखते हैं, सबकी अपनी अपनी है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई लिखो या कुछ बुक वाले स्मॉल आई लिखते हैं या सी लिखते हैं। देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू अपॉन टी। ये बेटा देखो फॉर्मूला, अब आप इंट्रेंस में जाते हो तो ये सब फॉर्मूला टिप्स में रहना चाहिए, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़े, केवल इतना लिखने से काम नहीं चलते हैं। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यू इक्वल टू आई टी, और यहां पर हो गया टी इक्वल टू क्यू अपॉन आई। यहां पर अलग अलग टुकड़े जितने बॉक्स में है वो फॉर्मूला याद रहना चाहिए इंट्रेंस के लिए, बाकी एक बार रीड कर दोगे तो सारे समझ में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट में आ जाओ, अब बताओ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जनरली कन्वेंशनल करंट है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव अलग अलग थॉट है, लेकिन यहाँ पर किसी से भी पूछोगे तो करंट किधर फ्लो करते हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करते हैं। अब ये जो करते हैं तब तो इसमें डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव, तो ये स्केलर है या वेक्टर, इस पर भी बराबर है। आप याद रखना पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हो, जिनके 7 to 8 क्वांटिटी है आपके कोर्स में जो वेक्टर है, बाकी सारे के सारे स्केलर, इसलिए नहीं भी मालूम रहे एक पॉइंट लिख दोगे स्केलर तो आपका 90% से ऊपर है चांस ठीक होने का, तो आप यहाँ पर स्केलर लिख दिए। इलेक्ट्रिक करंट फोर्थ पॉइंट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिफ्थ में देखो SI unit is coulomb per second, और इसी को लिखते हैं C/S, coulomb per second को ऐसे भी लिख सकते हो, और C^(-1), और इसी को हम कहते हैं एम्पियर, और कैपिटल ए एम्पियर, नाम से लिखते हो तो एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, ये यूनिट में यूज करते हो तो स्मॉल ए से लिखोगे एम्पियर, और अकेले ए लिखते हो तो इसको कैपिटल ए लिखते हैं। यहाँ पर ठीक है SI यूनिट ऑफ कूलम्ब पर सेकंड। अब आप लोग कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े क्यों डायरेक्ट एम्पियर लिख देते, तो लेकिन होता क्या बेटा, हम ही लोग सवाल बनाते रहते हैं, मान लो कभी हम ही लोग सवाल बनाते समय कंफ्यूज कर गए, पता नहीं चल रहा है, तो वहां पर हम यूनिट देख के पता कर लेते हैं ये कौन सा क्वांटिटी है। इसलिए आपको कूलम्ब पर सेकंड भी याद रखना है, C^(-1) भी याद रखना है, C/S भी याद रखना है, और देयरफॉर 1 एम्पियर 1 coulomb upon 1 second ये आपको याद रखना है। अब इसके आधार पर आपके एम्पियर का डिफिनेशन क्या होगा, 1 एम्पियर, इसका डिफिनेशन हम क्या लिखें, व्हेन 1 coulomb चार्ज फ्लोज
थ्रो ए कंडक्टर, थ्रो ए कंडक्टर पर सेकेंड, सेकेंड देन द स्ट्रेंथ, देन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। अब यदि आपके 1 कूलम चार्ज पर सेकंड फ्लो करते हैं तब जो करंट का स्ट्रेंथ होगा उसको हम एम्पियर कहते हैं। अदर यूनिट्स आर, देख लो, एम ए, मान लो एम ए, 1 MA दैट इज 1 मिली एम्पियर, दैट इज 10^-3 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर दैट इज 10^-6 एम्पियर। ये बराबर ये दो यूज होते हैं, वैसे आप नैनो एम्पियर वगैरह भी लिख सकते हो लेकिन ये जनरली यूज होते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गए? अब यहाँ पर समझने के बाद देखो नेक्स्ट, इस साइड लिख लिया आप लोग बेटा, इस साइड आप लोग लिख लिए हो तो ठीक है, तो इस साइड मैं रब करता हूँ। अब हम चलते हैं आपके पॉइंट नंबर 6। इतने पॉइंट बना देते हैं जो आराम से कितने भी भूल जाओगे तब भी आपको 2-4 याद रहेगा। अब यहां पर चलते हैं कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैरियर्स हो गया, ये चार्ज ले जाते हैं कौन? अब जनरली जैसे हम ट्रेन में एक पत्थर डाल दें या एक लिफाफा डाल देते हैं तो ट्रेन जहाँ से खुली है जहाँ पहुँचेंगे वहाँ तक वो चले जाते हैं। तो ट्रेन यहाँ पर क्या काम किया? कैरियर का काम किया। अब ये कैरियर क्या होता है तो देख लो, पॉइंट नंबर 1, इन मेटालिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसी को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, किसको कहते हैं? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। इस तरह से आपके क्या देखा, मेटल में जो करंट फ्लो करते हैं केवल इलेक्ट्रॉन के कारण। अब यहां पर वहां दे देगा कई सारे टॉपिक्स दिखा देंगे, बाय इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस तरह के चॉइसेस दे देते हैं। अब आपका ये हो गया। बी में देखो, इन आयनिक साल्ट सॉल्यूशन, आयनिक साल्ट सॉल्यूशंस और एसिड्स और बेसेस इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू पॉजिटिव आयंस एज वेल एज नेगेटिव आयंस, इनमें दोनों के कारण फ्लो करता है। और जैसे हम बता देते हैं, देख लो यहाँ पर ये है आपका प्लस, ये है आपका माइनस, और इसमें हमने NaCl
NaCl सॉल्यूशन डाल दिया। अब हम बता चुके हैं NaCl अट्रैक्शन होता है एयर में, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक बॉन्ड बनते हैं, लेकिन पानी में घोलने पर डिजॉल्व हो जाता है क्योंकि वहां पर वो अट्रैक्शन फोर्स कम पड़ जाता है। अब इसके लिए जो Na प्लस है ये अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया, तो Na प्लस इधर जाएगा, Cl इधर जाएगा, ये भी चार्ज ले गया और ये भी चार्ज ले गया। जैसे आपके देख लो Na Cl पहले टूट जाते हैं Na प्लस में और Cl माइनस में, फिर एट एनोड एनोड Cl पहुंचेगा और ये क्लोरीन बन गए और इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। यही इलेक्ट्रॉन ऊपर से फ्लो करते हैं आपके ये हमने, और एट कैथोड आपके Na प्लस पहुंचेगा और वहाँ ये इलेक्ट्रॉन गेन किया और Na बन गया। इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहते हैं। तो करंट किसके कारण फ्लो हुआ, पॉजिटिव के कारण भी और निगेटिव के कारण भी। अब यहाँ पर सी इधर लिख लिया आप लोग, गैसेस में करंट कैसे फ्लो करता है बेटा बताओ, गैसेस में करंट कैसे फ्लो करते हैं। अब यदि किसी बच्चे से हमने पूछा गैसेस से करंट कैसे फ्लो करते हैं, तो कहते हैं सर गैस से फ्लो करता तब तो ऊपर से वायर है मेरे ऊपर फ्लो हो जाता, तो अपने ऊपर तो नहीं कहा आपके ऊपर फ्लो हो जाता, तो क्लास बंद हो जाते, छुट्टी हो जाती। अब यहाँ पर ये नहीं है, गैसेस में कैसे करते हैं, यहाँ पर देख लो सी गैसेस आर बैड कंडक्टर्स ऑफ करंट, बट आयोनाइज्ड गैसेस conducts electric current due to positive ions and electrons। लेकिन आयोनाइज यदि गैसेस हैं तो ये होते हैं, जैसे हमारे ऊपर में आप लोग पढ़ चुके हो अर्थ के चारों तरफ जो एटमोसफेयर है उसमें ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर और आयनोस्फेयर। अब वो आयनोस्फेयर जो ऊपर का है वहाँ आयन सी आयन भरे हुए हैं। अब वहाँ पर कैसे, जैसे हाइड्रोजन है देख लो, हमारे पास हाइड्रोजन है, अब ये यूवी रेज जैसे इसके ऊपर पड़ते हैं या कॉस्मिक रेज पड़ते हैं ये एटम में टूट जाते हैं, और ये जो एटम है ये फिर पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन में टूट जाते हैं। तो वहाँ पर ये और ये दोनों मौजूद है जिसके कारण करंट फ्लो करते हैं। डी इन सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन जर्मेनियम एटीसी इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर जो फ्लो करते हैं यहां पर देख लो होल, अभी आप लोग नहीं समझे हो, होल इज ए प्लेस लेफ्ट बाय इलेक्ट्रॉन। जैसे आप अभी चेयर पर बैठे हो उठ के चले गए तो सीट खाली हो गया, वो कहलाएगा होल, और जहां पर आप बैठ गए वहां इलेक्ट्रॉन कहलाए, इसमें इनके कारण होते हैं। अब इस तरह से कैरियर्स ऑफ करंट आपने सीख लिया। अब आपके देख लो लास्ट पॉइंट, घबराना नहीं भाई बेटा, देखो ये पूरा एक टॉपिक्स है, ये पूरे एक टॉपिक, सभी तो हम 5 मिनट 10 मिनट वाला छोटा छोटा वीडियो दे रहे हैं।
और यहाँ पर सेवंथ पॉइंट में आ जाओ, डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। थके नहीं हो बेटा भाई, थके नहीं हो तो थोड़ा एक दिन भी तो लंबा क्लास खींचो। डायरेक्शन ऑफ करंट ये दो तरह से होते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। अब कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है सुन लो, कन्वेंशनल हो गया जैसे हम लोगों के यहाँ क्या कन्वेंशन था, सुबह सो के उठो, तैयार होके दिन भर काम करो, और शाम होते हैं, सनसेट होते हैं, घर आके बैठ जाओ। कर्म मतलब दिन भर में जितना काम किया, जितना उपार्जन किया, कर लिया हमने, अब हमारे पास क्या बच गया, आराम करने का टाइम। लेकिन आज के ये है कन्वेंशनल, लेकिन आजकल क्या होता है, इंजीनियर के ड्यूटी लगे नाइट में, डे में थ्री शिफ्ट में होते हैं आठ आठ घंटे के, किसी को 10 से 4 ऐसे करके लग जाते हैं, 10 से 6 लग जाते हैं रात के, तो वो रात को भी तो काम करेगा। अब कहोगे रात को नहीं करेंगे, तो रात को जो आप लोग नेट चलाते हो धराधर धराधर, वो कैसे चलेगा बताओ। इस तरह से यहां पर कन्वेंशनल देख लो, पहला इन कन्वेंशनल, इन कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल, हमने सेल लिख दिया जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इन कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, कन्वेंशनल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू नेगेटिव टर्मिनल, टर्मिनल थ्रू थ्रू एक्सटर्नल, थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। अब यहां पर हमने एक सेल बना दिया, देख लो बेटा, जनरली सेल में ये ऊपर जो कैप लगा रहता है पॉजिटिव होता है, और नीचे जो रहते हैं जिंक का बना हुआ ये नेगेटिव होते हैं। अब करंट इसमें कन्वेंशनल डायरेक्शन ऐसे फ्लो करेगा, इसके भीतर कार्बन का रॉड रहता है। अब यहाँ पॉजिटिव से फ्लो किया इस तरह से, ये हो गया आई सी, दैट इज कन्वेंशनल, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपने देख लिया। अब दूसरा होता है यहां पर कन्वेंशनल, हम लिख देते हेडलाइन में कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, इसके बारे में हमने यहां लिख दिए। अब हमारा है दूसरा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप लोग सोचते हो स्कूल में ये सब कराते नहीं है, बेटा उतना टाइम नहीं है, वहां पर टाइम बाउंड सिलेबस रहता है, इतने के भीतर में आपको कर सकते हो। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, ये जब आपका वाइवा होता है तो पूछते हैं इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या अंतर है। यहां पर पहला देख लो, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक करंट, द फ्लो ऑफ, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक करंट। यदि इलेक्ट्रॉन का केवल फ्लो हो रहा है तब जो करंट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट, या होल का फ्लो हो रहा है। इट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय, अभी आपने आई पढ़ा था तो हमने यहां आई ई लिख दिए, आई फॉर इलेक्ट्रॉनिक करंट, और क्या पढ़े हो,
क्यू अपॉन टी इंट्रेंस वाला ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन एक रहते हैं, क्यू अपॉन टी जनरली आप जानते हो, लेकिन क्यू इक्वल टू आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट इज इक्वल टू एन ई, एन ई अपॉन टी ये लिख सकते हो, और एन ई अपॉन टी अलग कर दो एन अपॉन टी इंटू ए, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज ई लिख दिए, पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है दैट इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। इसी के ऊपर हम यहाँ पर ये क्या लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी, जैसे कह दिया एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट में, तो पर सेकंड दिस इक्वल टू, आप यहीं देख लो, दिस इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड ई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज दैट इज फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं न्यू ई। यहाँ पर हम इतने बता दिया है, इनमें से एक सवाल हमेशा आता है, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे जेई का हो, चाहे नीट का हो, इतने सारे एक साथ ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया। अब इसके बाद भी एक शॉर्टकट सवाल हम दे देते हैं, फौरन समझ में आ जाएगा। अब यहां देख लो, क्वेश्चन है, वन कूलम चार्ज इज, सॉरी, वन एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वैलेंट टू फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ पहला चॉइस 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, 6.625 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, वन कूलम पर सेकेंड, डी नन, ये हमने सवाल दे दिया आपको। अब यहां से जो फॉर्मूले बनते हैं उसको देख लो, सॉल्यूशन आई इक्वल टू, अभी आपने पीछे क्या फॉर्मूला पढ़ लिया, एन ई अपॉन टी, तो आई की जगह पर आपने एन ई अपॉन टी लिखा, आई हमारा वन एम्पियर है, एन हमें पता नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इग्नोरिंग नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, इंटू 10⁻¹⁹ और टाइम है 1 सेकेंड, तो देख लो ये सवाल आपके बन गए। अब इसी को जो सॉल्व करते हैं तो देख लो, वन इक्वल टू एन इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 upon 1.60 × 10⁻¹⁹, सॉल्व कर लो ये आपके हो जाएगा 100 upon 160 × 10⁻¹⁹, ऊपर ले आओ सॉल्व हो गए, ये आपके हो गए 0.625 × 10⁻¹⁹, दैट इज 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, ये इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड हो गए। तो आपको हमेशा न्यूमेरिकल में याद रखना है, वन एम्पियर करंट इक्विवेलेंट टू फ्लो ऑफ 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। अब कंपटीशन में जाते हो तो वहां इतना बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, हर सवाल पर 1 सेकंड बताएंगे बचाएंगे तो आपको क्या हुआ 30 न्यूमेरिकल पर 30 सेकंड बच सकता है, तो हम किसी और न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज कर लो। आए बात समझ में, अब वहां पर दे देगा 2 ampere 3 ampere, हाँ वही सीबीएसई में दिया है तो बना के दिखाना पड़ेगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट था इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर करता है करंट, यहां पर नेक्स्ट में देख लो, इन इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन करंट
flows from negative terminal to positive terminal through external circuit. It is just opposite to conventional current. It is opposite to conventional current. अब इसी को यहां पर हम डायग्राम में दिखा देते हैं. यहां पर देख लो, हल्का सा कॉपी पर बना लो. ये कन्वेंशनल हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है. यहां से जो करंट फ्लो करेंगे, ये हो गया कन्वेंशनल करंट, ये हो गया आईई. नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक फ्लो करते हैं. आगे बात समझ में? अब यहां के बाद लास्ट टॉपिक्स है करंट का ही, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो बच्चे थक गए हो तो रिलैक्स कर लो, या जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. और नहीं सीखना चाहते हो तो सीखो. ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट 8, काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बेटा आप लोगों की आम बोरियत फील हो रहा होगा, और बेटा मैरिज पार्टी में जाते हो तो डांस कर लेते हो, कभी कभी वहां भी बच्चे बोरियत फील करते हैं. कुछ नहीं हुआ है, देखते चलो. काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. पहला पॉइंट, डायरेक्ट करंट. दिस इज कॉल्ड डीसी. अब डायरेक्ट करंट क्या है? इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू ए करंट. A current which flows from positive to negative terminal through a conductor due to conductor is called direct current. Direct current का ये हो गया. It is unidirectional. ये हमेशा एक ही direction में flow करते हैं. It is obtained by cell और battery. हमें cell और battery से जो current मिलता है वो हमारा कहलाता है direct current. आगे बात समझ में? Next हमारा है be steady current. बार बार word आपको जब पढ़ोगे अल्टरनेटिंग करंट, तो वहां पर बार बार आपको आएगा स्टेडी करंट. डीसी या डायरेक्ट करंट हुज वैल्यू इज कॉन्स्टेंट फॉर वेरी स्मॉल टाइम is called steady current. ये हमारा steady current के बारे में डिस्कस होते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. नेक्स्ट हमारे पास है, लास्ट टॉपिक्स बच गया है, एक दो टॉपिक्स बच गए हैं, तो छोटा सा है, 5-7 मिनट के बाद है. इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट में जिनको डिफ्रेंशिएशन आता है उनसे ये सवाल बनेंगे, जिनसे डिफ्रेंशिएशन नहीं आता उनसे ये नहीं बनेगा। द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, इज कॉल्ड इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट। इट इज गिवन बाय आई लिख के यहां पर इंस्टेंटेनियस लिख देना, INS, दैट इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज डी क्यू वाई डी टी। थोड़ा लेट लग गया, लंबा खिंच गया, इसलिए नहीं तो इस पर हम न्यूमेरिकल दिखाते। अब यहाँ पर देख लो इंस्टेंटेनियस हो गया। लास्ट करंट हमारा है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेज साइनुसाइडली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ हेडलाइन हम लिखे नहीं, नोट कर लो, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेज साइनुसाइडली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। और इसी को शॉर्ट में हम एसी लिखते हैं। अब आपसे पूछ लेगा हमारे घरों में कौन सा करंट फ्लो करता है? एसी। बैटरी और सेल से कौन सा करंट मिलता है? डीसी। स्टेडी करंट हो गया छोटे टाइम के लिए जिसका वैल्यू कांस्टेंट हो, उसको हम स्टेडी करंट कहते हैं। इंस्टेंटेनियस जा रहा है, अचानक मैंने पूछा करंट कितना है, इंस्टेंटेनियस हो गया। अब यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट एंड इट इज गिवन बाय I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर क्या क्या है, किसको नाम लिख लो, I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, I नॉट पीक वैल्यू ऑफ, पीक कहते हैं इसको, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ वेलोसिटी नहीं समझ लेना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू होती है 2π/T और 2π ν। यहाँ पर आपके कैपिटल टी टाइम पीरियड, कैपिटल टी हमारा हो गया टाइम पीरियड और न्यू हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी।
इस तरह से आप इसका इतना वैल्यू याद रखो। तो इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।